Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another vlog. काफी टाइम के बाद आज व्लॉग कर रही हूँ. इससे पहले आई थिंक सरोजनी वाला व्लॉग किया था जो कि अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया है, बट इट विल ऑल्सो कम मे बी बिफोर दिस वीडियो और आफ्टर दिस वीडियो. बट एनीवेज, आज के व्लॉग का पर्पज काफी ज्यादा रैंडम. इट इज गन बी अ वेरी पॉइंटलेस व्लॉग. सो काफी टाइम से आई वॉज प्लानिंग टू गो टू विजिट गुरुद्वारा. आई यूजली गो विजिट गुरुद्वारा बंगला साहिब, बट देन अभी काफी टाइम हो गया था कि मैं उधर नहीं गई थी एंड मेरा काफी ज्यादा मन करा था. तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज जाया जाए बिकॉज आई हैव अ स्पेशल गेस्ट हियर ऑन द चैनल बैक आफ्टर सो लॉन्ग. मुझे इतना ज्यादा डीएम में आ रहा था कि आपकी और पूजा पांडे की लड़ाई हो गई है क्या, आप लोग साथ में चैलेंज वीडियोज क्यों नहीं बना रहे हो. बट उसके एग्जाम्स चल रहे थे एंड अभी वो मेरे घर पे आई हुई है, तो हमने सोचा कि आज हम घूम के आ जाते हैं एंड फिर आके या फिर मे बी कल वील शूट सम चैलेंज वीडियोज. सो एनीवेज, आज हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे बिकॉज वी बोथ हैव अ वेरी स्ट्रांग बिलीफ एंड वी फाइंड वेरी पीसफुल एट गुरुद्वारा. तो इसलिए आज हम गुरुद्वारा जा रहे हैं, लेकिन हम गुरुद्वारा बंगला साहब नहीं जा रहे हैं. आज हम एक नया गुरुद्वारा एक्सप्लोर करने वाले हैं जो कि है गुरुद्वारा नानक प्याओ साहिब. ये भी दिल्ली में ही है, इसमें हम पहले कभी भी नहीं गए हैं. वी ऑलवेज विजिटेड बंगला साहिब एंड उसके अलावा हम लोग जो चांदनी चौक पे सीसगंज साहिब है उस पे भी गए हैं. सो आज हम लोग नानक प्याओ साहिब जा रहे हैं एंड मैंने थोड़ा सा गूगल पे लुकअप किया. सो अपेरेंटली इट इज डेडिकेटेड टू द गुरु नानक साहिब जी एंड सो या वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू गो. हम लोग रेडी हो गए हैं, कुर्ता डाला है, नीचे ब्लैक जीन्स डाली हुई है. दिस इज माई OOTD एंड मेकअप के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ थोड़ा सा ब्लश लगाया है, आईज में किया है एंड लिपस्टिक. बेस पे कुछ नहीं किया बेसिकली बिकॉज माई स्किन हैज बीन ब्रेकिंग आउट लाइक क्रेजी. आई डोंट नो वाई, मे बी बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन. काफी रेगुलरली ऑफिस जा रही हूँ तो पूरा वो धूल मिट्टी के चक्कर में मेरी स्किन खराब होती जा रही है एंड ऑल्सो ह्यूमिडिटी एंड गर्मी भी बढ़ रही है. चल भाई, इनका किचन का काम नहीं खत्म हो पा रहा है. आप जल्दी करिए मैडम ताकि हम निकल पाए. ऑलरेडी हम लेट हो गए हैं, प्लान था 9 बजे निकलने का एंड अभी 11:15 हो रहे हैं. यहाँ पे काम चल रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे इसका घर है और मैं यहाँ पे मेहमान बन के आई हूँ. बट एनीवेज, इतना तो चलता ही है. सो आज मैंने टोट बैग कैरी किया अपना, वही जो मैं ऑफिस भी लेके जाती हूँ बिकॉज बहुत ज्यादा गर्मी है. तो फिर पानी मैंने रख लिया, छाता रख लिया क्योंकि मौसम का कोई भरोसा भी नहीं है एंड ऑल्सो दुपट्टे रखे हैं बिकॉज वहां पे तो सर ढकना रहता है. सो या वी आर ऑल पैक्ड एंड रेडी टू गो व्हेन एवर दिस मैडम इज डन. हेलो, हाय, हमारी लड़ाई नहीं हुई थी. वी आर बैक अगेन. सो चलो चलते हैं एंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे घर से नानक प्याओ साहिब जी कैसे पहुंचते हैं. फाइनल स्टेशन पे उतर गए हैं, विच इज मॉडल टाउन. इतनी दूर मैं दिल्ली मेट्रो लाइन में फर्स्ट टाइम ही आई हूँ एंड इधर से अभी मुझे पक्का नहीं पता कि हम कैसे आगे जाने वाले हैं, बट शायद नीचे ऑटो मिल जाएंगे सो हम उससे जाएंगे या दैट वी विल फिगर आउट नीचे चल के. बट या हमें 2 लाइन चेंज करनी पड़ी थी, येलो लाइन से हम इधर आ गए हैं एंड गूगल ने हमें बताया कि दिस इज द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन. If you are able to hear me, हमें मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन से जस्ट नीचे उतरते ही एक ऑटो ई रिक मिल गया था एंड इन्होंने हमें चार्ज किया है 20 rupees 2 लोगों के लिए एंड ये हमें डायरेक्टली गुरुद्वारे पे ही छोड़ेंगे. सो यस, इफ यू कम हियर, आप गेट नंबर 3 से एग्जिट लेना एंड उसके नीचे जो ई रिक्शा लगे होते हैं वो आपको गुरुद्वारे के बाहर छोड़ देंगे.
वापस आ गए हैं, वापस मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन पे हैं क्योंकि वापस जा रहे हैं। एंड अच्छा खासा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया, बस बहुत ज्यादा गर्मी है वहाँ, बहुत ही ज्यादा, माई गॉड। एंड हम लोग वीकडे में भी आए थे तो इसलिए भी हमें ज्यादा रश नहीं मिला, बट इतनी ज्यादा गर्मी थी ना तो जो नीचे मार्बल का फ्लोर था इतना गर्म हो रखा था कि हमारे पैर चल रहे थे। बट हमने काफी अच्छे से वहां पे विजिट वगैरह किया। एंड क्योंकि आई डोंट नो बट यहाँ पे एक तो वीकडे भी था और इधर शायद से ज्यादा लोग नहीं आते हैं या क्या, इधर उतना ज्यादा रश नहीं था जितना बंगला साइड में रहता है, सो इधर काफी ज्यादा पीसफुल था, बहुत ही कम लोग थे। वी लव्ड इट, इतना चला बहुत मैंने चूज करी थी जगह होता है तो फिर हमें ये बहुत ज्यादा पसंद आया। एंड दिन की अच्छी शुरुआत हुई है, आई होप कि अभी आगे दिन अच्छा जाए। अभी हम घर जा रहे थे बट हमने बीच में ही सोचा कि अभी हम निकल ही चुके हैं तो यहाँ से चलते हैं चांदनी चौक, क्योंकि हमने कभी भी चांदनी चौक के फेमस पराठे नहीं खाए हैं, तो हमारे अंदर हिम्मत है इतनी धूप में चांदनी चौक जाके पराठे खाने की। तो अभी हम मेट्रो स्टेशन पे हैं एंड चांदनी चौक जाएंगे वहाँ के फेमस पराठे खाने, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। A few moments later. This is the पराठे वाली गली apparently जिधर हम पहली बार आए हैं। यहाँ पर नहीं जी, कहाँ पे खाना है बताओ, इसमें चलना है चल यहीं बैठ जाते हैं ऊपर 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 बैठ जाते हैं। This is going to be by far the most expensive paratha जो मैं खा रही हूँ। And यहाँ पे apparently आपको दो पराठे लेना जरूरी है। ये हम same दो ले सकते हैं, अलग अलग दो ले सकते हैं, बता तुमने कौन सा खाना। वेराइटी तो काफी सारी है। कैंडी क्रश पराठा, कैंडी क्रश पराठा क्या है? हाँ यही काटते है ना आलू पराठा चीज है, दो अलग अलग। एक्सक्यूज मी, एक आलू पराठा कर दीजिए और एक चीज पराठा। ये आ चुका है पराठे का, भी कोई नामो निशान है नहीं। पराठे का साइज देखना, बड़ा क्या है, क्या है, मैं ऐसे हाँ ये कचौड़ी है, ये कहाँ का पराठा है? और इससे मेरी मम्मी बनाते हैं, मम्मी यहाँ पे रेस्टोरेंट खोलते हैं। Later. ये पराठे मुझे लग रहा है हम गलत शॉप में घुस गए थे, हम लोगों ने आगे गली एक्सप्लोर भी नहीं करी। हमें जो पहला मिला जाके खा के आ गए एंड इट वाज नॉट गुड एट ऑल। आलू पराठे में कुछ स्टफिंग ही नहीं थी, इट वाज जस्ट प्लेन पूरी विद अ लिटिल बिट ऑफ आलू इन इट। आई थिंक यहाँ पराठे वाली गली शुरू हो गई और हम यहाँ तक पहुंचे भी नहीं, बट एनी वेज हाँ ना कि नो कि हम गलत जगह पर। हाँ यहाँ पे सारी पराठे वाली गली की शॉप्स हैं, आई थिंक हम लोग गलत शॉप पे घुस गए थे। बट देन एनी वेज द चीज पराठा वाज स्टिल वर्थ इट, वो 120 का था, इट वाज क्वाइट फिलिंग बट नॉट दैट गुड, मतलब पेट भर गया बट मज़ा नहीं आया। एंड आलू पराठा वाज जस्ट नॉट वर्थ इट एट ऑल। सो प्राइस वाइज आई वॉज लाइक कि इतना फेमस जगह है तो
मतलब बनता भी था उतना, तो आई डिडंट माइंड द प्राइस, बट देन द टेस्ट एंड द क्वांटिटी वाज नॉट गुड एट ऑल, आलू पराठे की स्पेशली. सो आई थिंक इधर पराठे वाली गली थी, हम यहाँ तक तो पहुंचे ही नहीं. सो अगर आप लोग आते हो तो जिस शॉप में मैं गई थी उसमें तो मत जाना, उसके स्ट्रेट जाना, वहां पे 3-4 शॉप से लाइन से ट्राई दोस वंस आउट, मे बी यूड लाइक दोस बेटर. अभी हम लोग यहाँ आ गए, मैं तो पूजा वूजा का सामान मिल रहा है, बट अभी हम लोग जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, एंड इस बार हम लोग चांदनी चौक की जगह जाएंगे, लाल किला मेट्रो स्टेशन, क्योंकि वो चेंज होता है मंडी हाउस पे, एंड मुझे मंडी हाउस के वेज मोमोज बहुत पसंद है. सो वी आर गोना गो देयर नाउ. ये है सीसगंज साहिब. नहीं भाई, इतनी भीड़ में नहीं जा रही मैं, पानी ले लिया मैंने. Many hours later. कैसे हैं? मुझे तो वेज मोमोज बिल्कुल पसंद नहीं है, बट इकलौते मंडी हाउस के ये वाले हैं जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद. 200 ईयर बैक करनी आगे करनी पड़ेगी. 200 ईयर्स लेटर. पहले स्टफिंग क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा है ना, सही है, सही क्या होता है, गुड, उससे अच्छे हैं चाइनीज बट. हाँ वेज मोमोज इसी के पसंद है बस. तो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं, एंड इट वाज सच एन अमेजिंग डे. मजा आ गया, बहुत टाइम के बाद मैं ऐसे घूमने फिरने के लिए बाहर निकली बिना किसी एक्चुअल काम के, एंड काफी ज्यादा मजा आया. अभी हम वापस आ गए, बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर, बहुत ही ज्यादा. सो माइनस द गर्मी एवरीथिंग वाज सो गुड टुडे. आते टाइम तो ऑटो में इतनी गर्म हवा लग रही थी, बाप रे बाप. अभी एसी चला के बैठे घर पे, रूहअफ़ज़ा पिया जा रहा है. इसके बाद हम लोग आगे की वीडियोस प्लान करेंगे, काफी सारा कंटेंट शूट करने का सोचा है, बट हम सोचते हर बार है आई डोंट नो कितना शूट होगा, कितना शूट होगा. सो अगर आप लोगों का आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को थम्स अप देना, मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि आपको और कौन से मार्केट विजिट्स या मे बी यू नो एनी काइंड ऑफ वीडियोस दैट यू वांट, ड्रॉप देम ऑल इन द कमेंट बॉक्स बिलो, एंड आई विल सी यू सुपर सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय.